gitu. Danu. मेरे चेहरे वाले दिखाओ कैसे लग रही है सारा। सच में बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए, आपको पता है। ये एक्साइटमेंट होती है। शू ही नीचे गिर गया। कैसा लग रहा है? लुकिंग गुड। पर एक और चीज दिखाओ, ये मेरा चश्मा शरीर वाला लग रहा है। ए दिस इज आल्सो ज़ारा का। ये लो खाओ, चलो इस पे मिला हुआ है अखरोट, किशमिश और बादाम। काजू मैं खा गई। ये शूज हैं, ज़ारा के नहीं है। ऑर्डर दे सकते हैं, रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। सेम रेस्टोरेंट है, उधर भी ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर देना पड़ेगा कि अंदर ही देना पड़ेगा? अच्छा, इधर से ऑर्डर लेके लेके खा सकते हैं। सबसे यम्मी तो ये दिख रही है लस्सी, तो खा लेते हैं उसके बाद चलेंगे। मैं आपको खिला रही हूँ। सो गाइस, हम लोग यहाँ अभी गेट से घुस रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग गया हम लोग को। वहाँ से रिक्शा से उतरे, फिर मायशा ने कपड़े चेंज कर लिए, उसके लिए रुकना पड़ा बहुत ज्यादा। है ना, हो गया ऑनलाइन ले लिया। नहीं नहीं भैया, बस नीचे लाइन लगी हुई है, गेट डेढ़ घंटे लगेगा। ऊपर लाइन लगी हुई होगी। नहीं तो किस चीज की लाइन लगी हुई है? अंदर जाने की। अंदर तो मेरी तो टिकट की हुई है ना। हाँ, तो अंदर जाने का क्राउड ज्यादा रहता है ना ताजमहल में। अच्छा, इसलिए। और आपके साथ जाएंगे तो वो तो सब हट जाएंगे। अच्छा, नहीं साथ में जाएंगे, जल्दी एंटी कराएंगे आपकी, लाइन से बचाएंगे आपको। आइए भैया। ऐसे होता है मायशा मैडम का, मैं अकेली ऐसे होता है, ये ऐसे करती है। कॉन्फिडेंस देखो, इतना लोग मतलब लोग देख रहे हैं तो अच्छा फील होना चाहिए, तो यहाँ पे लोग फील हो रहा है। अलग ही लेवल की हरकतें हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल हरकतें। ब्यूटीफुल लग रही है, उसके बाद भी नाटक, इंटरनेशनल नाटक। हाँ, क्योंकि मेरा मन था वाइट ताज के सामने। दिखाओ दिखाओ, इधर से छोटा दिख रहा है, उधर से बड़ा दिखता है। वो हमारा गाइड आगे चला जा रहा है। गाइड भैया, गाइड के घूमते हैं ना, ये पूरा बना हुआ है मायशा की ड्रेस। सुनो ना, पीछे से बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस। थैंक यू। मास्क उतारो और चलो चुपचाप। थैंक यू कहे का। बहुत ज्यादा क्लोज आ गया बस यहाँ पे ताजमहल के। कितना मस्त लग रहा है ना, एक बार देख। ये मैंने व्लॉग करने के लिए अपने हाथ में कैमरा उठाया है। सुबह को ऐसे स्टेयर कर रहे हैं ना, मैं एकदम नहीं बोल रही हूँ कि देखो कैसे सबको देखो पलट पलट के देख रहे हैं। मेरे को बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। एनी वेज, अब जो कर शर्म उसके खुद कर रहा हूँ। मेरे शेख बजाज के साथ मैं यहाँ ताजमहल को पास से देख रही हूँ। वो देख रहे हो कभी पास? अंदर जाने की चुनौती, जिसको आज तक हमने फोटोज में देखा ना, उसको पास से देखने का मतलब अलग ही सुकून है। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ।
मंजिल से बेहतर लगने लगे। कैसा लग रहा है? नीचे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और ऊपर आए हो तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अभी जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो शाहजहां ने इतना बड़ा इमारत बनाया, फिर आप क्या बना? छोटा सा घर बना ले, हम दोनों अपने आप से बनाए, एक दूसरे की हर ख्वाहिश को पूरी करें। वो मेरे को कल की रिंग लेने के लिए पूछ रहे थे ना आप, कि वो की रिंग लोगे क्या, ताजमहल वाले पे सोच रही थी शाहजहां तो अपनी वाइफ के लिए इतना बड़ा ताजमहल बनवाया, मेरा पति बड़ा छोटा सा ताजमहल रख ले। रखने के लिए नहीं बोल रहे, वो उनकी रोजी रोटी है, अगर वाइफ को लेना हो तो हम पे करेंगे उनकी रोजी रोटी के लिए। नहीं हम भी हम बुरा नहीं मतलब बता रहे हैं, ये लोग काम है, ये क्या गाइड लिया हम लोगों ने किया, ठीक है कि अगर रोजी हम लोग ऊपर होकर आए हैं, फिर क्या आ गए ऊपर से ताजमहल से, अभी हम लोग यहीं खड़े हैं ताजमहल के, यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है वीडियोस बनाना। और कोई आकर मना कर दे ना तो बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, उसे अच्छा तो बनाओ ही नहीं, इसलिए हम लोग ने बहुत कम बनाई है। यहाँ से आप कुछ ले जाओ ना ले जाओ, टैनिंग जरूर ले जाओगे इतने लोग exactly. सही बोल रहे हो। इतना पानी आ रहा है, आधे से ज्यादा हो रहा है, सही आ रहा है ना, बहुत सबसे ज्यादा तो गिर जा रहा है ये बेचारा यार, इतनी जोर की एकदम मधुमक्खी को मार रहे हैं, काटा है बहुत ज्यादा एकदम, अब फूल जाएगा वो, पता नहीं क्या होगा, क्या किया जाए, पूरा रेड हो गया। कर देती हूँ, बोलते बच्चे लोग को जब भी लगता है तो किसी का मुंह ठीक हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा मेरे कान के पास आ रही थी और उसमें से मारने के चक्कर में खुद को ही लग गई। बोलते किसी को मारना नहीं चाहिए, सॉरी आपको हंसना नहीं चाहिए, आई एम सो सॉरी, आपको अगर लग रहा है तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर ये लोहा लगाने से क्या होता है, कोई भी कीड़ा काटे तो लोहा लगाओ, लोहा लगाने से भी ठीक होता है घिसने से। गाइस हम लोग जहाँ पे ना पानी पी रहे थे वहीं पे माशा अपना बैग भूल के आ गई है, अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, मेरा गोंगल था भले पर्स जाए बाहर में, वहीं होगा, चलो चलो ढूंढते जा रहे हैं हम लोग वहीं पे पर्स और गोगल्स देखने के लिए, चलो 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 चलो, कोई उठा नहीं होगा, पता लेट्स सी मेरा बैग, मेरी लिपस्टिक थी उसमें, मेरी फेवरेट वाली, वो गिर गया है शायद, उधर पड़ा है नीचे गिरा हुआ, कहाँ उधर कहाँ रहा हमको क्यों, हाँ वो देखो वो गिरा हुआ कितने बड़े वाले हो पर्स वहाँ पे गिरा हुआ पड़ा है, अच्छी बात है किसी ने उठाया नहीं है, अभी भी गिरा हुआ पड़ा है। चश्मा है कि नहीं देखो, अरे है कोई नहीं उठाया शेट मेरी हालत हो गई थी, कैसे गिरा मेरे को पता है, आपको ना यहाँ पे लगी है ना जब वो आके मधुमक्खी मारी तब आपके हाथ से गिरा, क्योंकि मैंने आपको हाथ में दिया था, यही भी आपको हमारे हाथ में नहीं था। हाँ खाओ, हमने पानी नहीं पिया, नहीं पियो पानी, पियेंगे पानी नहीं पिया, पानी पिया था एक बॉटल ली, फिर नहीं पता काम गए वहाँ रख के आगे गलती से, और उसके बाद हम लोग जैसे भी बाहर निकले मीना बाजार साइड से बाहर निकले, थोड़ा बहुत कुछ पिया थोड़ा वगैरह, लोगों को हमारा माइक रखा था जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में दिया था, जिस बंदे को दिया था वापस दिलवाया, वो बंदा फोन नहीं उठा रहा था, उसका नंबर था जो गाइड था, अगर आपको आना है अपना घूमो एंजॉय करो, गाइड मत लो। 2000 years later वापस आ गए हम लोग होटल, अभी हम लोग का कुछ प्लान नहीं है, थोड़ा टायर्ड हो गए हैं,
देर आराम करेंगे, सोएंगे, फिर रात को चलेंगे डिनर करने। मायशा भी बहुत ज्यादा थक गई है। थक गए हो? बहुत थक गई है। थक गई है? थक, हाँ थक क्या आए हो? बहुत टाइम से खाने का मन था इडली सांभर, पर अभी हम पिज्जा पराठा खाने आए हैं। सब बंद हो गया। खाना भी है, हद है यार, ये कौन सी बात है। खाना होगा तभी तो कोई आएगा ना इतनी रात को। एक पिज्जा पराठा बना दीजिए। यार हम लोग करेंगे कलेक्शन धीरे धीरे, अभी पहले माइक लेना है, उसके बाद लेना है हम लोग को। सारे माइक के लिए बोलते हैं क्योंकि हमारी आवाज क्लियर नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे पास माइक नहीं है भाई। मधुमक्खी ने डंक मारा था भैया, पूरी स्वेलिंग आ गई है ना, थोड़ी सही हो जाए। मैं भी मेरे पास से भगा रहे थे तो इसी को डंक मार दिए। स्पेशल पराठे के बारे में बताओ, पिज्जा बताइए। क्वालिटी पराठे, क्वालिटी पराठा है हमारे यहाँ का। पिज्जा शर्मा रहे हैं, पूछो, शर्मा रहे थे ना अभी। बहुत हो गया ऑर्डर, ऑर्डर हो गया। वॉफल्स कौन से फ्लेवर में? हाँ ट्रिपल चॉकलेट। ओके, एक हम लोगों ने वॉफल्स मंगवा लिया है और साथ में ये डिनर के लिए भी मंगवा लिया है। ये तरीका पैक करने का भाई, इतनी खाने की दम नहीं थी, अब पैक करना पड़ रहा है। खाने की दम नहीं थी, कुछ दम है पर सब एक साथ नहीं हो पाता है ना। पता है, रात को आने का मजा ही है। आगे देखो, रात का मजा निकल आएगा। ऑटो वाले भैया गुस्सा करेंगे। नो नो जानो टाइम देख रहे थे ना, क्या बात है। ये देखो गिफ्ट भी दे दिए हमको, हाथ में गिफ्ट भी लिए हो। इतना बड़ा पराठा गिफ्ट लेके जा रही हूं। गिफ्ट तो आप हो मेरे लिए। हाँ वाइफ हमारे लिए तोहफा। अच्छा दोनों का मतलब एक ही होता है। पोपट। सो गाइस अभी हम लोग होटल वापस आ गए हैं, खा पी कर डिनर अच्छे से कर तो बहुत मजा आया। टेस्टी वाला पिज्जा बड़ा अच्छा। लास्ट में रिक्शा वाले भैया थे, बोले मैं बहुत देर रुका हूँ। अब हमने नहीं रुकाया था, जो बना के दे रहे थे हम लोग को पराठा पिज्जा, उनको थोड़ा टाइम लग गया बनाने में, जो कि उसकी प्रोसेस बहुत बड़ी थी। बाय गाइस, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, टेक केयर, शुभ रात्रि। किसी का दिल ना दुखाओ, हमेशा हंसते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, बाय।